और ऑन द टीवी या तो वो लोग जाके लाइव देखते हैं ऐसे इवेंट्स को या फिर टीवी पे अपने घर बैठे बैठे देखते हैं एट टाइम्स द एक्ट ऑफ विनिंग और लूजिंग मे टर्न अन प्लेयर और सपोर्टर ऑफ द लूजिंग टीम कई बार ऐसा होता है कि कुछ कोई टीम को हम जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं वो जीत रही है या हार रही है तो उससे क्या है हमारा जो माइंड है वो भी चेंज हो जाता है कई बार लोग क्या करते हैं लोगों को या फिर जो उनके पास जो प्रॉपर्टी है उसे भी नुकसान पहुंचा देते हैं इस स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट से वो देखते हैं इस गेम को वट दिस बी कंसिडर्ड हेल्दी स्पोर्ट्स मैनशिप क्या आपको लगता है कि ये एक हेल्दी स्पोर्ट्स मैनशिप है कि अगर आपकी टीम हार रही है जो कहीं दूर बैठी है और उसकी वजह से आप किसी पर्सन को या किसी थिंग को नुकसान पहुंचा रहे हो क्या ये सही है आपके हिसाब से लेट अस डिफाइन द टर्म स्पोर्ट्समैनशिप चलिए तो पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है स्पोर्ट्समैनशिप स्पोर्ट्समैनशिप और स्पोर्टिंग स्पिरिट इज द एबिलिटी टू विन विदाउट बोस्टिंग अबाउट योर एक्टिविटी विदाउट अबाउट योर विक्ट्री सो स्पोर्ट्समैनशिप जो है क्या है ये एबिलिटी है उटिंग अबाउट योर विक्ट्री अपने विक्ट्री के बारे में सोच रहे हैं And, मतलब आपको इस बात की टेंशन नहीं है कि आप जीतोगे या हारोगे दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट्स मैनशिप लूज विदाउट लेट योर लॉस आप जो है हार भी जाते हो तो भी आपको जो है इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक आप उसको नहीं सोचते हो दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं रिस्पेक्ट द रूल्स ऑफ द गेम आप गेम के रूल्स को रेस्पेक्ट करते हैं ऑफिशियल्स of और जो भी ऑफिशियल है उनका जो भी जजमेंट है उसे भी रिस्पेक्ट करते हैं Here are some commandments of sportsmanship. तो स्पोर्ट्समैनशिप के कुछ कमांडमेंट्स भी हैं लेट्स सी व्हाट आर दे एंजॉय द गेम ऑल एंड लेट अदर्स एंजॉय इट एज वेल तो हमें क्या करना चाहिए हमें गेम को एंजॉय करना चाहिए और दूसरों को भी एंजॉय करने देना चाहिए गिव एवरीवन द चांस टू गेट इन्वॉल्व हर किसी को मौका देना चाहिए गेम में खेलने का और इन्वॉल्व होने का कीप एन वन माइंड टू अदर्स सेस एंड है तो हमें क्या करना चाहिए अपना जो माइंड है उसे ओपन माइंडेड रखना चाहिए दूसरों के वीकनेसेस को हमें जो है बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए और हमारे अंदर फॉग गिविंग दूसरों को माफ करने का एटीट्यूड भी होना चाहिए टेक प्राइड इन योर परफॉर्मेंस एंड योर टीम So, हमें जो हमारे जो टीम है उसका जो भी परफॉर्मेंस है उस पर गर्व महसूस करना चाहिए क्रिएट पॉजिटिव एनवाइ हमें क्या करना चाहिए पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट करना चाहिए एनकरेज अदर्स टू डू देयर बेस्ट जो हमारे टीम के बाकी प्लेयर्स हैं उन्हें एनकरेज करना चाहिए ताकि वो अच्छा परफॉर्म करें एक्सेप्ट द रिजल्ट नो मैटर हाउ इन अनप्रीजेंटेटेड तो जैसा भी रिजल्ट हो चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो चाहे कितना भी बुरा हो हमें उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए Always remember that it is a privilege to participate. हमेशा हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि पार्टिसिपेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेक मेक स्पोर्ट्समैनशिप अ हैबिट और इस स्पोर्ट्समैनशिप को ये जो पॉइंट्स आपने पढ़े इन सबको एक अपना हैबिट बनाइए प्रैक्टिस इट एट ऑल कॉस्ट चाहे कुछ भी हो जाए आपको अपने स्पोर्ट्समैनशिप को नहीं छोड़ना है ऑलवेज एंड गेम्स विथ हैंडशेक और जब भी आप गेम को एंड कर रहे हैं ऑलवेज एंड विद अ हैंडशेक ऑफ ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप एंड वी शुड फॉलो इट Now let's see what's written here. And Did you know sportsmanship is when people who are playing or watching a team treat, uh, sports treat each other with respect. तो so, sportsmanship वो है जब लोग एक दूसरे को जो खेल रहे हैं या जो watch कर रहे हैं एक दूसरे को respect के साथ treat करते हैं. This includes players, parents, coaches, officials and fans. तो so, इसमें ये सारे लोग आते हैं.